शहजाद खालिद skinnatural.com से और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मशहूर ज़माना एक फार्मूला चल रहा है ऑयल्स का, जो skinnatural के भी प्रोडक्ट है। साहिल ना बताती उष्णा नागरमोथा हेयर ऑयल, रोगन कद्दू, नारियल, कलवंजी जिसे ब्लैक सीड भी कहते हैं, और उसके अलावा अक्सीरे जुल्फ द्रास और अक्सीरे जुल्फ, और इसके बाद इसमें ऐड होती है वालचर बोटी और सुरमा सया। ये चीज़ें जो हैं आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने मिक्स करनी है और उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, और फिर ये जो टॉनिक है ये आपके बालों को क्या क्या फ़ायदे देगा। सबसे पहले हमारा पेज लाइक कीजिएगा, SK ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम से फेसबुक पे हैं, और हमारी वेबसाइट पे लाजमी विज़िट कीजिएगा www.sknatural.com। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, साहिल नबाताती हेयर ऑयल है जो कि आपने अक्सर लोग मुख्तलिफ कंपनीज के बारे में भी हमसे डिस्कस करते हैं। हमारी जो पैकिंग है स्टैंडर्ड पैकिंग 100 ml की है और इसकी प्राइस है 300 rupees। ये आपको हर बड़े स्टोर पे इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, और हमारी वेबसाइट पे भी आप डायरेक्टली अप्लाई फोन कर सकते हैं और हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। हमने इसके अंदर लेना है साहिल नबाताती 200 ml, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। और मैं साथ साथ बताता चलूँ, जो हमारे कस्टमर्स हैं आउट ऑफ द कंट्री पर कर रहे हैं वो हमें व्हाट्सएप पे भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। डायरेक्टली हमारा नंबर है 03227655519 व्हाट्सएप पे। थैंक यू। ये 200 ml हमने इसमें ले लिया है साहिल ना बताती। ये आप देख सकते हैं, ज़रा कैमरा काइंडली करीब कीजिएगा। मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज क्रिएट किए हुए हैं, मतलब कस्टमर्स को कहते हैं कि इसका ऐसा कलर होना चाहिए, इस ऑयल का ये कलर होना चाहिए, ये ऑयल गाढ़ा होना चाहिए। हम ऐसा बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑयल्स हैं वो नेचुरली जो कलर और जो उनकी फॉर्म आती है हम एज इट इज़ उसको पैक करते हैं। हम उसमें कोई एडिशन नहीं करते किसी कैस्टर ऑयल या किसी उसको थिक करने के लिए या उसमें कोई स्पेसिफिक कलर डालने के लिए। जैसे कि आप हमारा साहिल नंबर ताती देखेंगे तो इसका कलर ग्रीन है, और कभी ये लाइट भी हो जाता है, कभी थोड़ा डार्क भी हो जाता है, ये इसकी प्रोसेसिंग के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है सारा। उसके बाद आ जाता है रोगन उष्णा। उस रोगन उष्णा एक बूटी है, बेल होती है जिसकी ये जड़े पत्ते हैं। सेम इसमें भी हमारा कलर जो है जो नेचुरली आ रहा है वो है रेडिश कलर है, या मेहंदी कलर भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक, ये कलर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपने ये परेशान नहीं होना, अक्सर लोग जो है ना ये बड़ा कॉन्शियस होते हैं कि कलर ऐसा था ऐसा था। हाँ, तकरीबन सॉर्ट ऑफ गाढ़ा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये आप देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट भी है उष्णा बूटी का। इसे आप किसी भी तरीके से, अभी मेरे हाथ जो हैं वो ज़रा ख़राब हो जाएंगे, आप ये मैंने गिरा दिया, उष्णा बूटी भी इसमें शामिल हो गई, जो उसके अंदर एक्सट्रैक्ट आ रहा था डाला हुआ था हमने पैकिंग के अंदर वो भी इसके अंदर चला गया। नंबर थर्ड पे आ रहा है नागरमोथा हेयर ऑयल। नागरमोथा भी एक प्लांट की स्टेम है जो कि बालों को जड़ों से मजबूत करने में काम देती है। ठीक है, थैंक यू। इसका कलर भी सरसों के तेल की तरह या खशखाश के तेल की तरह मस्टर्ड कलर है। इसमें भी आपको बूटी जो है उसका एक्सट्रैक्ट मिलेगा, नागरमोथा बूटी का। ये 100 ml हमने लिया है नागरमोथा, 100 ml लिया है उष्णा, 200 ml साहिल ने बताती। इसके बाद आ गया पम्पकिन सीड ऑयल, लोग ने कद्दू भी जिसे कहा जाता है, ये हमने लेना है 120 ml। ये भी skinnatural का है, इसकी प्राइस है आपके पास आ रही 120 rupees पर पीस है। ये हमने ऐड कर दिया कद्दू।
इसके बाद हम आ रहे हैं कोकोनट ऑयल की तरफ। कोकोनट ऑयल मार्केट में आपको डिफरेंट तरह के मिलेंगे। आजकल अगर थोड़ा सा मौसम है, कोल्ड है, तो उसमें ये वाष्प जमा हुआ भी होता है, तो आपने परेशान नहीं होना। माइक्रोवेव में से थोड़ा सा मेल्ट करें या आग के करीब भी करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये नॉर्मल कोकोनट ऑयल है जो श्रीलंकन होता है, उसे रीपैक किया होता है हमने इसके नेचुरल प्रोडक्ट्स में। हमारी जो वेबसाइट है तो आप देख सकते हैं। एक इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जन भी आता है इसमें, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो लोग लेते हैं इनटेक करने के लिए। ये हमें हेयर पे अप्लाई करना है। इसमें ये नॉर्मल कोकोनट ऑयल 120 ml हमने ऐड कर दिया, जिसकी एक की प्राइस थी 100 rupees। काइंडली जो फ्रेंड्स हमें ऑर्डर करने में जिन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है वो लाजमी तौर पे हमें व्हाट्सएप कर दिया करें, ताकि आपको इशू ना रहे। और किसी भी टाइम आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके बाद आ गया रोगन कलौंजी, ब्लैक सीड ऑयल भी इसे कहा जाता है। ये हमने लेना है 100 ml। हमारी स्टैंडर्ड पैक होती है 25 ml की। इसके हम 4 bottles इसमें ऐड करेंगे। इसकी 1 piece की प्राइस है 120 rupees। जो हमारा एक कलौंजी का ऑयल है, इसकी खासियत ये है कि प्योर ऑर्गेनिक है, और इसमें जिस फील्ड से ये आता है वहाँ से लेके एंड तक किसी किस्म की इसमें केमिकल्स ऐड नहीं होते, बिल्कुल प्योर होता है। और ये खासियत तौर पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे ये अपने एक दोस्त हैं जिनकी फील्ड से ये सारा आता है, तो हमें उन्होंने 100% गारंटी दी हुई है कि ये ऑर्गेनिक है। पर टाइम तो लग रहा है वीडियो पे, पर इंशाल्लाह ये वीडियो आपके और आपके सब घर वालों के दोस्तों के काम आएगी, क्योंकि ये ऑयल आपने इंशाल्लाह इतनी क्वांटिटी में बना लेना है कि आपके साथ साथ आपके दोस्त अहबाब और ख़ास तौर पे जो आपकी फ्रेंड्स आपसे जेलस होती हैं आपके बालों से, ये आपने उन्हें भी देना है, ताकि उन्हें भी पता लगे कि आपके पास एक अच्छा नुस्खा आ चुका था। जी हाँ, अब हमारे पास आ गए हैं 2 टॉनिक, लास्ट पे रह गए हैं। अक्सीरे सुल्फ तराज, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा, और अक्सीरे सुल्फ, ये दो हैं। सबसे पहले सुल्फ तराज हेयर टॉनिक जो है वो हम डालेंगे। अच्छा जी, इसका कलर भी आप देख लें, बाकी जगहों पे हरे का डिफरेंट होता है, हमारा ये कलर रहा। हमारे ऑयल्स गाढ़े नहीं हैं, इसलिए आपने बार बार ये नहीं कहना कि हमें वही वाले चाहिए जो गाढ़े ऑयल होते हैं, ज़्यादा ठीक होते हैं, इसको कॉस्टली होती है। हमारे पास यही ऑयल्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो नुस्खा है बहुत पुराना है और बहुत देर से चल रहा है। फाइनली एक्सीरियस जूफ दराज, इसकी 450 rupees प्राइस है दोनों की, ये रेड कलर में है। टू बॉटल्स ईच हमने ये भी ऐड कर दिया है, सीधे सुल्फ और सुल्फ तराश। फाइनली जी हमारे पास आ गया है बालचर रोटी, कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें मिक्स कर देंगे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिएगा, ये सुरमा है। अभी क्योंकि रात है और रात के वक्त तो मैं आपको सारा प्रोसेस नहीं दिखा सकता, नेक्स्ट वीडियो का पार्ट मैं बनाऊंगा सुबह के वक्त, जिसमें इसे हम सनलाइट में रखेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि हम इसे कितनी देर रखते हैं। एक्चुअली इसे अगर आप सनलाइट
समर में है और बहुत ही धूप कड़ाक की आ रही है, तो आप इसको 2 आवर्स भी रख सकते हैं। और जैसा कि आजकल मार्च का महीना है, मैं फैसलाबाद में हूँ पाकिस्तान में, और यहाँ पे टेम्परेचर ऑन ऑफ चलता रहता है, कभी दिन में बादल भी आ रहे हैं, तो हम इसे पूरा दिन रखेंगे कल की डेट में। आज है 16th ऑफ मार्च, 17th ऑफ मार्च को इंशाल्लाह आपको ये जो बाउल है इसे मैं सनलाइट में रखूँगा फुल डे, और आपको इसका फिर बताऊँगा कि यूज़ कैसे करना है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।